तो हाय दोस्तों, आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल टेक्निकल नरेंद्र में। फ्रेंड, आपको एक मेल आएगी, जी फ्रेंड, और उस मेल को आते ही आपका YouTube चैनल पूरा बर्बाद। जी फ्रेंड, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ फ्रेंड, आपको एक मेल आएगी और वो मेल अगर आपको आ गई तो आपने जो YouTube चैनल बना रखा है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि आपका YouTube चैनल बर्बाद ना हो तो आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि फ्रेंड उस मेल से बचने का क्या उपाय है जिससे आपका YouTube चैनल बर्बाद ना हो। कहने का मतलब मेरा यह है, अगर वो मेल आपको आ गई तो आपका YouTube चैनल आपके हाथों से हटकर उसके हाथों में चला जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको उस मेल से बचने के लिए क्या करना है? जी फ्रेंड, आपको उस मेल से बचने के लिए क्या करना है मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। और वो मेल कहाँ से आती है, कैसी होती है, कैसी दिखती है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा भी और मैं आपको पूरा समझाऊंगा भी। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि वो मेल कैसी होती है और उसमें क्या लिखा हुआ होता है जिसकी वजह से आपका यूट्यूब चैनल पूरा बर्बाद हो सकता है। तो मैं अपना दूसरा फ़ोन लेता हूँ और उसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको इस मेल में क्या लिखा होता है और आपका YouTube चैनल इस मेल की वजह से कैसे जो है गायब हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपने फ़ोन में ये खोल लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर जो कि लिखा हुआ है मेरे पास YT सपोर्ट। जी फ्रेंड, या फिर आपके पास आ सकती है गूगल की तरफ से या फिर आ सकती है आपके पास YouTube की तरफ से। जी फ्रेंड, आपको कहीं से भी और कहां से भी आपके पास मेल आ सकती है जिसकी वजह से आपका YouTube चैनल बर्बाद हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये मेल आई है हेल्पर। जी फ्रेंड, और यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, यहां पर लिखा हुआ है YT सपोर्ट। यहां पर मैं आपको दिखाऊँ, आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको जो है स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखिए, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जी फ्रेंड, वी हैव रिसीव स्पैम कंप्लेंट अबाउट द कॉन्टेक्ट ऑफ योर यूट्यूब चैनल। जी फ्रेंड, आपके यूट्यूब चैनल पर कुछ जो है कंप्लेंट हमें मिली है। आवर टीम विल बी रिव्यू योर चैनल एंड सेंड टू मेल अबाउट दैम। आपका चैनल रिव्यू हम करेंगे। जी फ्रेंड, अबाउट द मेल ट्रांजेक्शन, प्लीज कंप्लेंट द सर्वर बिलोंग एंड रिप्ले टू दिस ईमेल यू कि हम लेनदेन करेंगे, मतलब हम वार्तालाप करेंगे। पहले आप हमें इस मेल पर जो है, अब आप सुनिए क्या क्या लिख रहे हैं, रेस्पॉन्स टू द मेल बिल इन्फॉर्म आवर टीम एंड स्टार्ट योर रिव्यू प्रोसेसिंग। हम आपका जो है चैलेंज स्टार्ट करेंगे प्रोसेसिंग के लिए। ये क्या चीज़ें मांग रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बिफोर इफ यू डू डोंट रिप्लाई टू दिस मेल योर चैलेंज विल बी टर्न ऑफ। अगर आपने इस मेल का हमें उत्तर नहीं दिया तो आपका यूट्यूब चैलेंज हमें जो है बंद करना पड़ेगा। अब ये हमसे क्या मांग रहे हैं ये भी देख लीजिए, चैलेंज URL हमसे ये मांग रहे हैं, कॉपीराइट आपके पास आई है या नहीं आई है, यस या नो, जी हमसे मांग रहे हैं, और मेन जो हमसे मांग रहे हैं ये चीज़ वो है हमारा जीमेल के पासवर्ड। जी फ्रेंड, जी हमसे हमारे जीमेल के पासवर्ड मांग रहे हैं। तो फ्रेंड, एक ऐसी मेल आपके पास आ सकती है उसमें बाकायदा जो है सारी चीज़ें लिखी होगी बहुत ही शानदार तरीके से और मस्त तरीके से, ताकि आपको लगे हाँ कि ये हमें जो है YouTube की तरफ से आई है। और आप क्या करेंगे, सिंपल जीमेल को खोलेंगे, आप डर जाएंगे, वेरी सिंपल है, क्योंकि मैं भी डर गया था। कल मेरे पास 9:30 बजे यानी 6 तारीख को मेरे पास मेल आई है, रात को 9:30 बजे जब मैं अपने YouTube चैनल चला रहा था और मैं जो है वीडियो देख रहा था काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, जब मेरे पास मेल आई, मेल आते ही मैंने ऊपर देखा YT सपोर्ट। मैंने जैसे ही मेल ओपन करी उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी, मैं शॉक्ड हो गया कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है।
फिर मैंने मेल को देखा अच्छे से, फिर इसमें लिखा हुआ था YT सपोर्ट, और मैंने मेल के नीचे देखा आपके चैलन के पासवर्ड, चैलन पासवर्ड, मैंने ये चीज़ देखी, फिर मैं रिलैक्स हो गया। जी मैं क्यों रिलैक्स हो गया, क्योंकि ये हैकर ने मुझे भेज दिए। जी फ्रेंड, कोई हैकर है जिसने मुझे मेल भेजी है ताकि मैं उसको ये तीनों चीज़ दूँ, और मैं वो है जो मेरा यूट्यूब चैनल पूरा बर्बाद कर दें। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो, आपके पास भी ये मेल आए और आप जो है डर के मारे ये सारी चीज़ें उसे उसी समय फिल करके दे दें। अगर आपने ऐसा किया फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ऐसा किया तो आप अपने ही हाथों आपका यूट्यूब चैनल खो देंगे। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जी फ्रेंड, अगर आपने ये तीनों चीज़ें उस मेल में फिल कर दी और अगर आपने सेंड कर दी, तो आप अपने खुद के हाथों अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे। तो अगर आपके पास ऐसी मेल आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल वो मेल ही डिलीट कर देनी है। क्या करना है आपको, वो मेल ही डिलीट कर देनी है, क्योंकि फ्रेंड यूट्यूब हो या गूगल हो, वो आपसे ये चीज़ें कभी भी नहीं मांगते हैं, क्योंकि फ्रेंड उसके पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके पास यूट्यूब हो या गूगल हो या फिर कोई बैंक हो, कोई भी हो एनीवे, वो आपसे ये चीज़ें कभी नहीं मांगेगा। अगर कोई मांगता भी है तो आपको नहीं देनी। क्या करना है आपको, ये चीज़ें उसको नहीं देनी है। मेरा कहने का मतलब टोटल ये है कि अगर आपके पास ऐसी मेल आती है तो आपको इग्नोर कर देना है, उस मेल को ही डिलीट कर देना है, आपको किसी को भी कुछ भी नहीं देना है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपके मेल के पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें, 2 वेरिफिकेशन ऑन रखें, ताकि आपके यूट्यूब चैनल को कुछ भी ना हो। और अगर आपके पास कोई चीज़ें मांगता है तो आपको किसी को भी कुछ भी नहीं देना है, भले वो यूट्यूब मांगे, गूगल मांगे या फिर एनीवे कोई भी मांगे। तो आपको जो है आपके ना तो चैनल की पासवर्ड देना है, ना URL देना है, ना लिंक देना है, आपको कुछ भी नहीं देना है, इग्नोर कर देना है और मस्त तरीके से आपका अपना यूट्यूब चैनल चलाते रहना है और उसे वीडियो अपलोड करते रहना है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास ऐसी मेल आती है तो आपको केवल उसे इग्नोर कर देना है, डिलीट कर देना है, आपको उस मेल में कुछ भी नहीं भेजना है, ना कुछ लिखना है। अगर उसके साथ कुछ अटैच भी होता है तो आपको उसको भी डाउनलोड नहीं करना है बिल्कुल फ्रेंड। अगर कोई लिंक है तो आपको उस लिंक के भी ऊपर क्लिक करके नहीं देखना है कि इसके लिंक के ऊपर भी क्या है, नहीं। केवल अगर आपके पास मेल आती है ऐसी, तो आपको क्या करना है, सीधे उसे डिलीट कर देना है। क्योंकि मान लीजिए बाय द फ्यूचर में अगर आपके पास कभी मेल खोले और उस लिंक के ऊपर क्लिक कर दें तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल अगर आपके पास ऐसी मेल आती है तो उसे डिलीट कर देना है। जी फ्रेंड, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ऐसी मेल आपके में से किस किस के पास आई। एंड फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।